पेज नंबर 23 पर एक और एग्जांपल है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x की पावर 1 और x इज इक्वल टू a, ये प्रूव करना है आपने। देखो बेटा, अभी अभी हमने प्रूव किया, वी नो दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इज इक्वल टू e, ये हमने किया ना प्रूव अभी अभी। इसमें आप पुट कर दें, पुट 1 ओवर n इज इक्वल टू x, 1 ओवर n का, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, 1 ओवर x, n यहाँ चले जाएगा और ये n की जगह पे आ जाएगा, तो n की वैल्यू 1 ओवर x आ गई। यहाँ पर पुट कर दें, लिमिट 1 प्लस, अब देखो बेटा ये 1 ओवर n है, तो इसकी जगह पे हमने क्या पुट करना था, x, और n की जगह पे क्या पुट करना, क्योंकि सारा क्वेश्चन फिर x की टर्म्स में कर लेना है ना, ये e। अब देखो बेटा, लिमिट भी n की टर्म में, अब सारा क्वेश्चन जब x की टर्म में है तो हमारी लिमिट भी x की टर्म में होनी चाहिए। अब लिमिट कैसे हम x की टर्म में बनाएं, तो देखो बेटा, n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो x किसके इक्वल है, 1 ओवर n, तो n इन्फिनिटी को अप्रोच करने का मतलब क्या, n बहुत बड़ा है, n इज़ वेरी लार्ज, n इज़ वेरी 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 लार्ज। तो जब आप 1 को बहुत ही लार्ज नंबर से डिवाइड करते हैं ना, तो उसका आंसर 0 के बहुत करीब आ जाता है, तो x 0 को अप्रोच करेगा, जैसा कि मैं एक आपको करके दिखा देती हूँ। अगर n को मैं 1000 लिख लूँ, 10,000, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.00001। तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि n बहुत बड़ा है, इससे भी बहुत बड़ा है, ये तो मैंने अभी छोटा लिया है, 1,00,000, 1,00,00,000। तो जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा, x जो है 1 ओवर n है ना, तो जब 1 को आप बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं ना, तो आंसर बहुत 0 के बहुत करीब आता है। तो जैसे जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, x जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, तो यहाँ लिमिट पुट करेंगे x अप्रोचेस टू 0, और ये प्रूव हो गया, यही करना था आपने, प्रूव लिमिट x अप्रोचेस 0 1 प्लस x की पावर 1 और x इज इक्वल टू e, यही प्रूव करना था, और वो हमने कर दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x की पावर 2 बाय x। अब बेटा, इस लिमिट को इस्तेमाल करने का भी तरीका है, वो क्या है कि जो यहाँ पे आपके पास है x, पावर इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, पावर आपके पास इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। अब इसका रेसिप्रोकल क्या है, यानी कि जो यहाँ पे है इसका रेसिप्रोकल इधर होना चाहिए, क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ, 3 से डिवाइड भी और 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ, अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 3 जो 6 था, 2 क्रॉस 3 6 बनना था ना, उसको मैंने बाहर लिख लिया, 1/3x लिख लिया, ठीक है। लिमिट पावर के अंदर ले जाओ, अब देखो बेटा फार्मूला क्या था, जो यहाँ पे पावर रेसिप्रोकल है, जो यहाँ पे पावर रेसिप्रोकल है,
तो आंसर क्या आ गया आपके पास, अब ये सारा किसके इक्वल है, ई के इक्वल, ई की पावर 6 इज इक्वल टू ई की पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 9, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की पावर एक्स, ये कैलकुलेट करना। बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 ओवर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, कैसे? देखो बेटा, जैसे अगर आपके पास 2 है एक चीज़, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर 1 ओवर 2 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, ये 2 जो है फिर आपके पास ऊपर चला जाएगा, ये 2 बन जाएगा। इसी तरह इस चीज़ को 1 ओवर 1 ओवर, कोई भी चीज़ को अब वो अपने 2 टाइम्स ओवर के इक्वल होती है, 2 टाइम्स ओवर, 1 ओवर 1 ओवर, ये सारी जैसे 2 जो है 1 ओवर 1 ओवर 2 के, ऐसे नहीं होता कि 2 1 ओवर 2 के इक्वल क्या होता है, नहीं, एक दफ़ा ओवर के इक्वल नहीं होता, ये तो 2 है और ये हाफ है, तो कोई भी चीज़ आपके 2 टाइम्स ओवर के इक्वल होती है, तो इस चीज़ का मैंने 2 टाइम्स ओवर लिया है, एक ओवर तो सवाल में है ना उसके पास ऑलरेडी है, तो ये 2 टाइम्स ओवर के इक्वल है। अब देखो बेटा, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मैंने ऐसे कैसे लिखा? देखो बेटा, जैसे 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 के इक्वल है ना, तो मैंने फिर क्या किया, ये जो ये वाली टर्म थी ना इसको उल्टा लिया, जो ये वाली टर्म थी उसको उल्टा लिया, ठीक है? तो ये जब आप फ्रैक्शन को उलट करते हैं, इस बार ये जो नीचे वाला हिस्सा है तो ये उलट हो जाती है, जैसे अगर आपके पास 1 ओवर 2 बाय 3 हो तो आप उसको लिख सकते हैं 1 ओवर 3 बाय 2, इसको आप लिख सकते हैं ना 3 बाय 2, फ्रैक्शन इन्वर्ट हो जाती है, ये फ्रैक्शन इन्वर्ट हो गया। अब ये 1 ओवर की फॉर्म में है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस x ओवर x की पावर -1 की पावर x, जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो पावर माइनस में हो जाती है। अब क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, अब ये आपके पास इसको अलहदा अलहदा कर दें, फ्रैक्शन को कर दी 1 ओवर x 1 माइनस x। अब क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वो माइनस वन हमने बाहर ले ली, अब ये सारा किसके इक्वल है, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इज इक्वल टू n हो x हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फॉर्म यही होनी चाहिए, इसका मतलब ये e के इक्वल है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू e, ठीक है जी।